दो साल पहले नमिता ने इस एक्टर से की शादी। होने वाले पति ने ऐसे किया था प्रपोज लव स्टोरी। साउथ की सबसे पॉपुलर एक ट्रेस में शुमार नमिता बीजेपी में शामिल हो गई है। शनिवार को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में नमिता ने पार्टी की सदस्यता ली। नमिता की साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और यही वजह है कि बीजेपी नमिता के जरिए साउथ में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाना चाहती है। बता दें कि नमिता ने 24 नवंबर 2017 को एक्टर प्रोड्यूसर वीरा उर्फ वीरेंद्र चौधरी से शादी की। नमिता के मुताबिक वीरा से उनकी पहली मुलाकात सितंबर 2016 में तब हुई थी जब उनके बेस्ट फ्रेंड शशिधर बाबू ने दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया था। नमिता के मुताबिक 6 सितंबर 2017 को वीरा ने बीच पर बेहद रोमांटिक अंदाज में मुझसे कैंडल लाइट डिनर के बारे में पूछा। उनकी यह बात सुन मैं हैरत में पड़ गई क्योंकि मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इसके बाद मुझे महसूस हुआ कि यही वो शख्स है जो मुझे चाहता है और उसकी प्रायोरिटी में सबसे पहले मैं हूँ। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जिंदगी में वीरा आए। नमिता 1998 में मिस सूरत का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। इसके बाद नमिता 2001 में मिस इंडिया कॉम्पिटिशन में रनर अप रह चुकी हैं। यह खिताब एक ट्रेस सेलिना जेटली ने अपने नाम किया था। साउथ इंडिया में एक्टर एक ट्रेस को देवी देवताओं की तरह पूजा जाता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन साउथ के मंदिर में किसी गुजराती एक ट्रेस की मूर्ति लगाना वाकई हैरान करने वाला है। सूरत की रहने वाली नमिता वांकावाला उर्फ अभैरवी की पहली मूर्ति तमिलनाडु के तिरुनलवेली में स्थित एक मंदिर में लगाई गई थी। अब साउथ में उनके एक नहीं बल्कि तीन मंदिर हैं। नमिता का जन्म 10 मई 1981 को सूरत में हुआ था। नमिता ने 2002 में तेलुगु फिल्म सोनथम से फिल्मों में डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उन्होंने पहले जेमिनी साइन की, लेकिन रिलीज पहले सोनथम हुई। इसके बाद उन्होंने चाणक्य, कोवई ब्रदर्स, बिल्ला, इंदिरा जैसी कई फिल्मों में काम किया। नमिता ने गुजराती फिल्म देश रे जोया रे दादा पर देश जोया में भी काम किया है।